मेरा नाम अनिरुद्ध रैना है, मैं यमुनोची से पीजी कर रहा हूँ, एमबीए कोर्स कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सेंटर सरकार ने हमारी ज़िंदगी को एक वीडियो गेम बना दिया है, जिसमें वो टफ से टफ लेवल लाते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें बोलते हैं इंटरनेट बंद, जैसे आपको पता होगा 6 महीने से इंटरनेट बंद है, कि एक टफ लेवल दे दिया है, सर्वाइव करो, इंटरनेट बंद है, उसके बिना ना तुम पढ़ सकते हो। हर यूथ का या हर स्टूडेंट का इतना बजट नहीं होता वो 6-6 हज़ार या 7-7 हज़ार की बुक ले। एक गूगल पे एक क्लिक पे हर बुक अवेलेबल होती है, बट इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। देन नेक्स्ट लेवल ये हमें देते हैं कि तुम इंटरनेट बंद पे अब सबके साथ कम्पीट करो, तुम बाहर के स्टूडेंट्स के साथ, हर स्टेट के स्टूडेंट के साथ कम्पीट करो। उसके बाद हमें बोलते हैं कि तुम्हें 50,000 पोस्ट आएंगी, जो नेक्स्ट लेवल वो आती नहीं है, जो सिर्फ एक जुमला था कि पोस्ट कोई भी आई नहीं है। देन अब रिसेंट क्या आता है कि रिलैक्सेशन ख़त्म कर दी जाती है, जो इसलिए था कि यहाँ के स्टूडेंट डिस्टर्ब हैं, उनको फैसिलिटीज़ या एक्सपोजर नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेटस था एज का जो 5 साल का था, वो भी ये अचानक से ख़त्म कर देते हैं। वो उस यूथ के लिए झटका है जो बैठ के तैयारी कर रहा था, जो शायद से जिसका एज ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे थी, अब वो नहीं पेपर दे पाएगा। तो ये एक टाइप से उन्होंने हमारी गेम लाइफ को गेम बना दिया है, मजाक बना दिया, और टफ से टफ लेवल डालते जा रहे हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, कि तुम सर्वाइव करके बताओ तुम कैसे करते हो। तो हमारे साथ मैम यही हो रहा है यहाँ पे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का मेन प्रोविजन इन्होंने ये बताया था कि आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज क्रिएट कर रहे हैं। एवेन्यूज क्रिएट करने के मुझे तो अभी तक कोई एवेन्यू दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि यूथ को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल कोट करके देता हूँ, 2016 का जो हम यहाँ पे आपने जिसका 2016 का एक बैच था, केएस का बैच, वो जाके लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। ये है सरकार की एफिशिएंसी। वो लोग जो आज तक अपना मांग कर रहे थे, आपसे अपना हक मांग रहे थे, उनको आज तक आपने क्या दिया? इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे जैसे रिसर्च स्कॉलर्स को पड़ेगा, जिनको हमने पिछले 2013 में जॉब्स देखी थी, उसके बाद आज तक जॉब्स तो कोई देखी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से हमारी जो एज है वो इस डिमार्केशन से ऊपर हो जाती है, तो हमें तो ऑटोमेटिकली कहीं और जाके अपनी वो खेती बाड़ी ही फिर करनी पड़ेगी। तो सरकार की वजह से तो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स लोग करने वाले, वो बोलते थे कि हम जम्मू को एक्सप्लॉयटेशन कर दिया गया है, अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट मिलने के बजाय झूठे जुमले जो सेंटर्स के द्वारा दिए जाते हैं या स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं वो दिए गए। उसके बाद एक नहीं हो पाई कि सत्यपाल मलिक साहब आए। सत्यपाल मलिक साहब ने आए, उन्होंने कहा कि 50,000 जॉब्स आने वाली हैं। वो 50,000 जॉब्स भी कहाँ गई? वो साल भी गुजर गया, उसकी वजह से भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फिर ये मुर्मू साहब आए, इन्होंने भी कहा कि एंडलेस नंबर ऑफ जॉब्स और लाइन, ठीक है, वैकेंट जॉब्स पड़ी हुई है, बट वो अभी तक जॉब्स कहाँ हैं? देखिए, जो अभी यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर कैडर ख़त्म किया गया, इससे ज़्यादा जो मतलब नुकसान यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को होगा, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर हमारी एक रेस होती थी जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के दरमियान ही होती है। अब जो ये रेस जो है ये पूरे कंट्री वाइज जो है सेपरेट हो गया है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है यूथ्स की, उसमें ये देखने को मिलेगा कि अब वो प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितनी वो करते थे, क्योंकि अब ऑल इंडिया लेवल पर इसका कंपटीशन होगा, जिससे यहाँ पर कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा तशवीश है। अब क्या है कि अगर हमारे पास अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मतलब ऑफिसर्स होते थे, उनको यहाँ का ट्रेडिशन, टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकली वो प्रिपेयर रहते थे, उनको पता होता था कि मतलब यहाँ पर क्या करना है हमें और क्या किस तरह से हमें ट्रीट करना है। अब जबकि हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बाहर से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, उनको पहले समझने में ही बहुत सारा मतलब टाइम लगता है, उसमें 1-2 साल 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे अपने ऑफिसर्स थे उनको पता था मतलब यहाँ पर जो ट्रेडिशन है हमारा उनसे कैसे डील करना है, जो यहाँ पर टोपोग्राफी है उनसे कैसे हम निपटारा करेंगे। तो मे बी दिस इज़ अ बिग फैक्टर मतलब ऑफ द वैली, यूथ्स ऑफ द वैली। जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है, मैं खुद बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ, इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहता हूँ, और हम आए दिन शेलिंग देखते रहते हैं, हमें पता है हमारी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होती है, फिर भी हम कम्पीट कर रहे हैं पूरे राष्ट्र के साथ, पूरे इंडिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे पास एक कंपनसेट करने के लिए एक एज रिलैक्सेशन का क्लॉज था, वो केंद्र सरकार ने हटा दिया। अब बताएं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे बच्चे, आज उनको पता चलता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते, वो युवा कहाँ जाएगा? दूसरी बात जेएनके कैडर हटाने की, आप खुद बताएं मैम, शाहिद इकबाल चौधरी वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट है इस टाइम पे, वो जम्मू कश्मीर से है, हमने बे इंतहा IAS ऑफिसर दिए हैं यहाँ पे। शहरिश असगर देख लीजिए कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वो जम्मू कश्मीर को समझते हैं, जम्मू कश्मीर को समझते हैं, इसलिए वो जम्मू कश्मीर को जानते हैं, लगातार
एंटी यूथ पॉलिसीज जम्मू कश्मीर में बरकरार हैं। और मिनिस्ट्री की साइट पे भी देख लीजिए, वहां पे आपको डाटा मिल जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 साल से अब सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, हम अब कंपेन चलाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ जो एंटी यूथ पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पूरी जिम्मेवारी के साथ ये चुनौती देता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे और युवाओं को संभालना लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। Thank you.